नमस्कार, शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि रूखे बेजान और दो मुंह बालों वालों के लिए क्या घरेलू उपचार है। कई बार क्या होता है कि आपके बाल रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं या दो मुंह हो जाते हैं, उन बालों के लिए कुछ घरेलू उपचार है जो हम आपको बताते हैं। एक तो दो मुंह बाल के कुछ कारण है कि धूप में रहता है आदमी, रासायनिक आधारित स्टाइलिंग उत्पाद, अधिक शैम्पू का इस्तेमाल करता है, क्लोरीन मिले पानी में बहुत अधिक तैरता है, और इन सारी चीजों की वजह से इस तरह का इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ता है, आपके बालों पर पड़ता है। मोनेस रूखे रोम कूपों पर उपयोग के लिए सबसे उपयोगी विकल्पों में एक है। ये आपकी रसोई में पाई जाने वाली सबसे सामान्य वस्तु है। जी हाँ, मायनोजेट में फैटी एसिड अधिक होता है और ये बालों के लिए उपयुक्त मॉइस्चराइजिंग प्रभाव तथा सॉफ्ट और शाइन करने के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। आपको वांछित प्रभाव के लिए शुद्ध मेयोनेज के उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कई पदार्थों के साथ इसका उपयोग बुरा प्रभाव भी दे सकता है। आप अपने बालों को धोने के लिए मेयोनेज का लगाने और अपने बालों में कंघी करने की आवश्यकता है। एक प्लास्टिक की थैली में इन्हें रैप करें और कुछ समय के लिए गर्म तौलिए को लपेटें। 30 मिनट के बाद एक शैम्पू और एक कंडीशनर से इसे धो लें। अपने बालों को धोने और तौलिए सुखाने के बाद कुछ बियर का स्प्रे करें। इसके बाद स्प्रे पंप का उपयोग सबसे अच्छा होगा। जी हाँ, एक बार सूखने के बाद आप अपने बालों को मनचाह स्टाइल दे सकते हैं। बियर आपके बालों को सॉफ्ट शाइनी बनाता है और दो मुहे बालों को समाप्त करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अधिक पके बालों के लिए केले का मिश्रण। जी हाँ, पको वो कादों को केले का मिश्रण रूखे बालों के लिए एक आदर्श औषधि हो सकता है, जो दो मुहे बालों के उपचार के लिए बहुत ही विकसित है। केले में विटामिन ए और पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। एवोकाडो ओमेगा, यानी कि ये मान के चलिए कि एवोकाडो ओमेगा और केला, इन दोनों के मिश्रण को मिलाने से एक औषधि तैयार होती है और एवोकाडो ओमेगा में 3 फैटी एसिड से भरपूर है, इसलिए इसके मिश्रण रूखे और बेजान बालों के लिए आदर्श है। इस पेस्ट को बालों को धोने के बाद, साफ करने के बाद 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें और फिर सॉफ्ट तरीके से इसमें कंघी कर लें और धो दें। जैतून का तेल रूखे और दो मुहे बालों के लिए एक उत्कृष्ट उपचार माना जाता है। अपने बालों को अच्छी तरह से धोए और तौलिए से सुखाए। थोड़ा सा जैतून का तेल गर्म करें और बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से लगाएं और करीब उसको आधा घंटा लगे रहने दें और फिर शैम्पू से धो डालें। ये आप अपने नियमित कंडीशनर को भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने बालों को स्वच्छ रखना चाहिए, धूल मिट्टी से बचाना चाहिए, स्वस्थ रहने चाहिए बाल आपके। ज्यादा बाहर ना हो, ज्यादा गंदे पानी में ना हो कि समंदर के ऐसे पानी में आप तैरें या वो करें जिससे आपके बाल खराब हो जाते हैं, दो मुहे हो जाते हैं या रूखे हो जाते हैं। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से घरेलू उपाय से आप अपने बालों को अच्छा स्वच्छ और सुंदर रख सकते हैं। और बियर तो इसमें सबसे कमाल की चीज है। जी हाँ, अगर आप बियर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल बहुत ज्यादा शाइन करते हैं। तो आज हमने आपको बताया और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा, हमें अपनी टिप्पणियां भेजते रहिएगा और हमसे नई नई जानकारियां लेते रहिएगा। और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपको नई नई जानकारियां देते रहें। आप हमारे चैनल से बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।